इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप की जो सी ड्राइव होती है वो अगर फुल हो जाए तो हम उसे उसकी स्पेस कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब उसे इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारे सी ड्राइव इसलिए फुल हो जाती है क्योंकि हमारे सभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसी में इंस्टॉल होते हैं और हमारी जो विंडो की इंस्टॉलेशन है वो भी सी ड्राइव में ही की जाती है। सी ड्राइव को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास दूसरी ड्राइव होनी चाहिए, जैसे ये हमारे पास डी ड्राइव है, आपके पास भी कुछ इस तरह की ड्राइव होनी चाहिए, डी ई एफ या जो भी ड्राइव हो, ठीक है। हम डी ड्राइव से सी ड्राइव के लिए अनलोकेटेड फाइल निकालेंगे, ठीक है, वो आपकी मर्जी है आप कितना फाइल निकालते हो। जैसे हमारे पास ये 44.7 GB है कुल स्पेस लोकल सी ड्राइव का, और ये फ्री कितना है 23.2 GB, ठीक है। चलिए, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से हम इसे इंक्रीज करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है ईजस्ट एसेस, मैं इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम डी ड्राइव से इस सी ड्राइव के लिए एक अनलोकेटेड फाइल निकालेंगे। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से रिसाइज और मूव पर क्लिक करूँगा। अब आपको एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करना है, यह आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपकी अनलोकेटेड फाइल कितनी आपने निकाली है। मैं यहाँ से इसे पकड़कर आपको मूव करना है इस तरफ। देखिए, आपने 6.05 GB निकाली है, आपको जितनी स्पेस चाहिए आप उतनी स्पेस इससे कम कर सी ड्राइव में प्लस कर सकते हैं, मतलब इसे दूसरी ड्राइव से ये माइनस हो जाएगा और सी ड्राइव में प्लस हो जाएगा। अब मुझे चाहिए 7.47 GB, ठीक है, आप अपने हिसाब से निकाल लेना। ये राइट तरफ है, मुझे इसे डी ड्राइव के इसके आगे लेके आना है, तो इसे मैं पकड़ कर यहाँ से मूव कर दूंगा। ये देखिए, यहाँ से अनलोकेटेड फाइल इसके आगे चला गया है, अब जहाँ से मैं ओके कर दूँगा। अब इसे ओके करने के बाद हमारे पास ये अनलोकेटेड फाइल दिखाई दे रही है, हम इसे फाइल को सी ड्राइव में ऐड करेंगे, मतलब प्लस करेंगे। तो सी ड्राइव को प्लस करने के लिए यहाँ से राइट क्लिक और फिर रिसाइज एंड मूव। यहाँ से आपको स्पेस जितनी ली थी उतनी प्लस हो गई है, ये इसको हमारे पास गैप दिखा रहा है, आप इसे फुल कर देना, यहाँ से पकड़कर ऐसे फुल कर दोगे तो ये हमारी सी ड्राइव ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास। आपने यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ से ये आपको बता देगा कि आपके पास पहले कितना था स्पेस, अब कितना रह गया है, पहले कितना था अब कितना इंक्रीज हो गया है। यहाँ से अप्लाई पर ओके करूँगा, आपने कैंसिल नहीं करना है, अगर आपने कैंसिल कर दे तो आपके पीसी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको 2-3 मिनट वेट करना होगा। चलिए, अब ये फिनिश हो चुका है, अब मैं जहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखो जहाँ पे इसने बता दिया है कि पहले 44 था अब कितना हो गया है 52। अब मैं जहाँ से फिनिश कर दूँगा, चलिए अब देखते हैं कि अब ये ड्राइव जो है कितनी हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ से आपने रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के बाद देखिए 52.2 GB दिखा दिया है और यहाँ से माइनस हो गया है। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फ्रेंड।